तो गाइस भाई यहाँ पे रेडी हो चुके हैं BS6 NS, हाँ BS6 NS 200, वहाँ से आना है, हाँ एंड जहाँ पे खड़े होंगे, ठीक है आ जाओ। तो गाइस भाई के साथ यहाँ रेस करेंगे अभी, ये लाइन है, लाइन में कर लेते हैं, ठीक है मैं करूँ तीन में, ठीक है अरे मैं वो कर रहा था ना हॉर्न, अरे यार एक बंदा वहाँ चाहिए हमें, है ना? एक दो तीन पीछे से करे, हाँ ठीक है क्या, अरे एक दो तीन करना ना, क्योंकि क्या हो रहा ना हॉर्न मारते हुए फिर मैं ड्राइव नहीं कर पा रहा ना एकदम से, बाइक को शूट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है मतलब वहाँ जाते हुए हाँ ठीक है, तुमने पीछे खड़े हो जाओ, एक दो तीन करना तुम, ठीक है एक दो तीन पीछे से करना एक बंदा ना, ठीक है भाई क्या कर रहे हो, ठीक है सब बराबर है, देख लो बराबर है, ठीक है तो गाइस रेडी, ठीक है भाई चूतिया बनती होगी यार, लगी क्या ज्यादा, लगी तो नहीं आपके, नहीं नहीं थोड़ा बहुत, ना ना भाई, अरे ये उछल भाई, विली लगती जरूर है इसमें जब एकदम छोड़ते हैं, तू छोड़ी क्यों फिर गाड़ी करो, क्या टूट गई क्या खुद ही, अरे भाई अरे यार देख बकचोदी भयंकर, क्या हुआ ये निकाला भी हमने उसी टाइम, ये उधर की साइड था यार, कोई नहीं अभी अभी ब्रेक की, हट यार इतनी सी लगी, छोड़ी थी छोड़, लोअर फट गया कोई दिक्कत नहीं है, इस साइड का था ये रहता ना बच जाती यार, उस साइड का था वो, इसका तो ये पैकिंग थी तेरी कोई नहीं है तो ये तो हो जाएगा, क्योंकि ऊपर साइड का निकल रहा है ना, ये तो यार ये मुड़ गया सर, अरे यही होता है बैंकरी वरना उधर से गिरते उसका गियर मुड़ जाता, ये चल सो गाइस कांड होते हुए ड्रैग के चोरे बन रहे थे और यहाँ पे थोड़ा सा घुटना में, अरे हल्का सा लगे यार कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है चलते हैं, कोई नहीं अरे वो सीधा करवाना है बस, कोई नहीं चल यार जिम भी जाना है मुझे, अरे क्या चला जा, अरे कोई नहीं, हाँ हाँ भाई इतनी चोट थोड़ी है, चलो ठीक है मिलते हैं ब्रो, कोई दिक्कत नहीं, लगती रहती है यार हल्की फुल्की चोटें तो, हाँ भाई अब थोड़ा लेट भी हो रहा है अभी उसका सीधा, चला वो चाबी है ना, कोई दिक्कत नहीं यार ब्रेक देख लेते हैं, ब्रेक है
हैंडल टेढ़ा तो नहीं हो गया इसका? मुझे लग रहा है हैंडल टेढ़ा हो गया यार, देखना सीधा है। ठीक है ना, सुन रहा है ये मान कि भगवान ने ये करा तभी कृपा बसाई, कुछ नहीं हुआ तुझे। ठीक है ना? हाँ भाई, बस कोई भी कमी महसूस कर रहे हैं। हैंडल हो गया कैसे चेंज तेरा पूरा? हाँ यार हैंडल चेंज हुआ। हाँ नहीं ये तो मुड़ नहीं रही। चल चल चल, वैसे है बे यार, हैंडल चेंज हुआ कि ये टेढ़ा हुआ? हैंडल टेढ़ा हो गया, देखना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूँ देखना क्या नहीं यार, ये हो रहा था टेढ़ा, ये टेढ़ा हो रहा था हैंडल की दोस्त। कंटेंट के लिए सोच रहा था मैं, किस्मत ही अंधे है। कंटेंट तो मिल गया तुमको, ये ड्रैग रेस का कंटेंट होता है ना भाई, बन जाएगी ड्रैग रेस। तू ना बता हुआ क्या, तू पीछे हो रहा था, तुझे आगे लीन करना था ना, तो उठती नहीं गाड़ी आगे से। वही वजह हैंडल की चोर ना हो यार, हैंडल तो उसका आ जाता होगा 1200-1800 रुपये। अरे पागल, हैंडल बहुत महंगा आता है। नहीं सस्ता आता है, हैंडल अगर होगा तो कुछ नीचे तक तो मुश्किल ही होगा, मुझे नहीं लगता मुझे हैंडल नहीं मुड़ा। अबे टायर सीधा है ना, वो हैंडल टेढ़ा हो रहा है ना, हैंडल मतलब वो हैंडल नीचे का रिम, वो बोल रहा हूँ मैं जो ये इसमें सस्पेंशन टिका हुआ है, वो तो नहीं है ना कुछ ना, वो होगा तो महंगा खर्चा है, महंगा होगा। नहीं यार बहन जो नहीं करनी चाहिए मुझे बकचोदी, कॉन्टेंट नॉर्मल कॉन्टेंट कोई बात नहीं, मतलब कोई बात नहीं, शुक्र मना कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं होता है, बस खुश रहना होता भाई। तो गाइस क्या बोलूँगा आपको, जरा लग गई गाड़ी, क्या कर सकते हैं अब, थोड़ा सा नुकसान तो हो चुका है, दर्द भी हो रहा है, बस देखना है डॉक्टर के पास जाके करें पट्टी ना करें। वही अभी घर की ओर चल रहे हैं, हैंडल टेढ़ा हो चुका है, लीवर गार्ड निकल चुका है, इसका लीवर मुड़ चुका है ब्रेक लीवर, एंड जो नीचे वाला ब्रेक लीवर है वो भी मुड़ चुका है, नुकसान तो हो चुका है, देखते हैं भाई कितने का नुकसान है। मूड ख़राब हो रहा, अगर नीचे तक हैंडल ख़राब हुआ होगा तो कम से कम बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्या कर सकते हैं, देखते हैं प्रभु की क्या कृपा है। तो गाइस अगर आप भी ड्रैग रेस कर रहे हो MT15 में तो नुकसान काफी हो सकता है, कोई सी भी गाड़ी हो, चाहे MT15 हो चाहे कोई सी भी हो, तो इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा आगे की झुक के बैठना है आपको, जो गलतियां मैंने करी है ठीक है ना, एज अ ब्रदर बता रहा हूँ आप लोग को कि भाई जो मैंने गलती करी है, मैंने थोड़ा हाई वाइप दे दिया था और हाफ क्लच छोड़ा हुआ था मैंने, ठीक है, तो एकदम से गाड़ी उठ गई थी हैंग करके फुल, और हम सोच रहे थे थोड़ा कंटेंट निकालेंगे, थोड़ा सा ड्रैग रेस वगैरह कर रहे थे भाई के साथ, एनएस वाले भाई मिल चुके थे हमें, तो हमने सोचा BS6 वैसे BS6 हो जाए, बट किस्मत ने साथ नहीं दिया और हमारे साथ थोड़ा सा कांड हो चुका है, थोड़ा पैर में पेन है, हाथ में हल्का सा पेन है, बट देखते हैं अब क्या होगा, और यही था भाई कॉन्टेंट तब आप लोगों के लिए कॉन्टेंट के लिए मेहनत कर रहा था, बट कंटेंट के चक्कर में मैं खुद ही कंटेंट बन चुका हूँ, मेरी गाड़ी खुद ही कंटेंट बन चुकी है, तो काफ़ी ज़्यादा इसका मतलब खामियाँ तो भुगतना पड़ा है, बट आप लोग का प्यार आपको देना है, आप लोग सपोर्ट करना अपने मेटा राइडर भाई को, भाई आप लोगों के लिए मेहनत करने गया था मैं कंटेंट के लिए, दिखाने की भाई अगर हमारी MT15 रेस करती है ड्रैग करती है तो क्या इन्हें से जीत पाती है, नहीं जीत पाती, 50 चीज़ें हैं तो कांड हो गया भाई, एक्सीडेंट हो गया रायपुर नहीं है। तो छोड़ रहे हैं गाड़ी को अभी यहीं पे, क्या हो गया सो गाइस यहाँ पे कांड हो चुका है भैया, पट्टी कर रहे हैं। आपको मैं क्या, आपको मैं वो दिख रहा होगा पेन, बट मेरे मुंह पे स्माइल है, ये मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ मैं, आप लोगों के लिए सिर्फ, बस रो नहीं सकता, रोता नहीं हूँ स्ट्रॉन्ग मैन, ये दर्द आपके लिए झेल रहा हूँ मैं, आप लोग को क्या करना है, लाइक करना है, ऐसे कंटेंट के लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं। ये तो मैं घर में कर दूँगा, अच्छा ये देखिए नया लोग, नया लोग।
हेलो गाइस, जैसे कि आपने देख ही लिया एक्सीडेंट हो गया, कंटेंट बनाने गया था मैं और मेरा खुद का कंटेंट बन गया। मैं क्या बताऊं यार आप लोग को ना, जैसे हम बाइकर्स लोग हैं ना, राइडर्स लोग हैं, हमारे लिए क्या होता है ना, हमारी बाइक हमसे सबसे ऊपर होती है, हमारे लिए बाइक से ही प्यार करते हैं। कि स्क्रैच भी लग जाता है ना, दिल में चोट लगती है, और यहाँ तो पूरा कांड ही हो गया यार गाइस, क्या बोलूँ। मतलब जैसे अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है ना, हमारे लिए हमारी बाइक ही हमारी गर्लफ्रेंड रहती है, क्या बताऊँ यार। मतलब सोच रहा था ड्रैग रेस का कंटेंट बन जाएगा, लेकिन किस्मत इतनी ख़राब थी ना, कांड ही हो गया। अपनी इज़ूमी हमारी प्यारी MT15 का हैंडल भी टूट गया, लीवर गार्ड, लीवर ब्रेक, क्या बोलूँ, टैंक में स्क्रैच पड़ गया पूरा। मतलब अब नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा यार, मतलब ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर देना यार, क्योंकि नुकसान तो हो ही चुका है, लेकिन अगर आप एक लाइक कर दोगे ना, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।